नाउ वॉचिंग प्रोग्रामर्स हो। आज हम लोग सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज का एक सेक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें देखेंगे कि सी लैंग्वेज में डिजिटल क्लॉक कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी हम अगर हमें क्लॉक का कॉन्सेप्ट बनाना हो सी लैंग्वेज में तो कैसे करें, क्योंकि इसके लिए कोई फंक्शन दिया नहीं है बना बनाया जो डायरेक्टली क्या करे सी लैंग्वेज में फंक्शन को, मतलब क्लॉक को प्रिंट कर सके। बट इसमें कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्लॉक डिज़ाइन कर सकते हैं। डिजिटल होगा, एनालॉग नहीं, इसलिए इसमें डिजिटल क्लॉक के कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ जो फंक्शन मैंने यूज़ किए हैं अपने प्रोग्रामिंग में वो मैं आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ। मैंने फंक्शन यूज किए उनमें से सबसे पहला है टाइम अंडरस्कोर टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर है जिसका यूज किया जाता है फाइंड द टाइमर, फाइंड द टाइमर ऑफ वैल्यू। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे आए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा ये एक स्ट्रक्चर है, टीएम नाम का ही है। ठीक है, ये बना बनाया स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है दैट स्टोर करेंट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। क्योंकि टीएम के अंदर कुछ बने बनाए वेरिएबल्स हैं जैसे टीएम अंडरस्कोर मिन, टीएम अंडरस्कोर आवर, टीएम अंडरस्कोर सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके कई सारे हैं। ठीक है, तो उनका हम यूज करेंगे। तो ये क्या करता है, ये पहला वाला जो ये जो है ये टाइम एंड डेट रखता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू को टाइमर में सेट किया जाता है इसके स्ट्रक्चर में। तो जो वैल्यू यहाँ आती है वो ब्लॉक के फॉर्म में होगी, स्ट्रक्चर फॉर्म में, और उसको यहाँ स्टोर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो टाइम नाम का फंक्शन है फाइंड टाइम ऑफ डे, जो भी इस समय प्रेजेंट टाइम डे होगा उसके हिसाब से उसका जो टाइम होगा वो निकालेगा। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो टाइम आ जाएगा वो तो प्रिंट हो जाएगा, बट प्रिंट करने के लिए उस जो टाइम आएगा वो यूनिवर्सल होगा यूटीएफ फॉर्म में, मुझे उसको क्या करना है लोकल फॉर्मेट में निकालना है। यूटीएफ मतलब यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इसको हमें टाइम जोन जो होगा लोकल टाइम में निकालना पड़ेगा। ठीक है, करंट टाइम जो हमारे यहाँ का एरिया का होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लोकल टाइम नाम का कॉन्सेप्ट है। ये जो है ये हमारे ब्लॉक को, जो ब्लॉक इसमें आया होता है टाइम के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्म में, उसको ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 26 करेक्टर का होगा। कितने का होगा, 26 करेक्टर का। और जिसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, DDD यानी डे होगा, मंथ होगा। ठीक है, DD हम कहेंगे आवर, मिनट, ठीक है, सेकंड। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, और भी कुछ चीज़ें इसमें होंगी जो आपको 26 करेक्टर का टोटल मिलेगा। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको हमें जो फॉर्म आया है उस स्ट्रिंग फॉर्म में आया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्काई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम को टू कन्वर्ट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू टाइम, स्ट्रिंग इनटू ASCII फॉर्मेट। ठीक है, स्काई फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। कौन सा स्ट्रिंग होगा, इसमें डेट एंड टाइम होगा। ठीक है, डेट एंड टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इनका क्या यूज है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर टाइम को हमें क्या करना है बार बार प्रिंट कराना है यानी अपडेट होता रहे टाइम, तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है डिले। ठीक है, डिले का ऐसा फंक्शन है जो हमारे एग्जीक्यूशन को कुछ सेकंड के लिए रोक देता है, जैसा कि नाम से नाम डिफाइन करता है, पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब जब इसको प्रिंट कराना होगा, अब मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है, अब ये कब तक चलता रहे डिले होकर के, कितनी देर तक लगातार चलता रहे, ध्यान रखना इसमें मिली सेकेंड में वैल्यू दी जाती है। तो मैं क्या करूँगा, डिले लगाऊँगा, डिले, और इसके अंदर कुछ मिली सेकेंड में वैल्यू दे दूँगा। ठीक है, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड का मतलब क्या होगा, मिली का सेकेंड का मतलब होगा, ये होगा 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होगा। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर ये वैल्यू पॉज हो गई, अब ये कब तक चलता रहे, जब तक के भी हिट ना हो। के भी हिट का मतलब होता है ये एक बना बनाया फंक्शन है, जब तक कीबोर्ड हिट ना हो, कीबोर्ड
हिट, कीबोर्ड हिट ना हो तब तक ये चलता रहे। अब इसके लिए ना हो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, लूप में यूज़ कर लेंगे, लूप में इसको यूज़ करेंगे, के बी हिट। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह रही कि अगर मुझे कुछ भी फॉर्मेटिंग देना है तो प्रॉब्लम में इसको प्रिंट कराना होगा, तो अगर कलर फॉर्म में प्रिंट कराना होगा वी कैन यूज़ सी प्रिंट एफ, यानी प्रिंट इन द कलर फॉर्मेटेड। अब क्वेश्चन बन रहा है कौन सा कलर होगा, ये कलर डिसाइड कौन करेगा, टेक्स्ट कलर, डिसाइड द कलर ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें आप 0 to 15 वैल्यूज़ यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, टोटल 16 वैल्यूज़ हैं, इनको यूज़ करना। अब यहाँ पर आता है डिसाइड इंक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट, जो प्रिंट होगा टेक्स्ट, यानी अगर डेट एंड टाइम को अगर हमें टेक्स्ट फॉर्म में प्रिंट कराना है वी कैन यूज़ स्ट्रिंग फॉर्म में जब प्रिंट होगा तो इसकी साइज़ बढ़ाने के क्या यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें वैल्यूज़ कौन कौन से, सी 40 है, ठीक है, कॉमा सी 80 है, बी डब्ल्यू 40 है, ऐसे कई सारे क्या हैं एग्जाम्पल के तौर पर ETC, ये वैल्यूज़ दी जा सकती हैं इसमें, और मैंने कलर आपको बता ही दिया। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो फंक्शंस हैं ध्यान रखना है, इन फंक्शन के लिए हम लोगों ने कुछ हेडर फाइल यूज़ किया है, और ये सारी हेडर फाइल्स किस में होंगी, time.h एंड dos.h नाम की हेडर फाइल आपको लगानी है। तो ये दो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है जिससे ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। आइए चलिए एक प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, जिस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, चलिए तो इस फंक्शन को समझने से पहले आइए ज़रा मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ। फंक्शन को जो प्रोग्राम है उसका नाम है dgclock.c। ठीक है, तो नाम है dgclock.c। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने जितने भी फंक्शन यूज़ किए हैं उन फंक्शन को मैंने अभी डिफाइन तो कर ही दिया है, उसके साथ साथ मैंने इसको यहाँ पर लिख भी दिया है कि क्या काम करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे कंपाइल किया, C40 को हम यूज़ करेंगे, अभी ये हेडर फाइल यहाँ लगानी थी एज इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये आपका फंक्शन होगा। तो यहाँ देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने आउटपुट को रन करा दिया, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे लोकल टाइम इज वेंसडे मंडे May 6। ठीक है, 6 तारीख। ठीक है, 22:17। ठीक है, यानी 10:17:45 और 2020। ये पूरी वैल्यू अगर आप इसको काउंट करेंगे यहाँ से वेंसडे से लेकर 2020 तक, तो 26 कैरेक्टर का टोटल होगा, ये लॉक हो रहा है लोकल टाइम। ठीक है, चलिए तो मैं इससे बाहर आता हूँ, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर समझाया। अब ये प्रोग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले टाइमर का मैंने जैसे बताया था, और ये बना क्या रहा है, टाइमर ब्लॉक बनेगा, जैसे कि दोनों मैंने बताया था टाइमर और टाइम ब्लॉक। के भी हिट, जब तक की हिट ना हो तब तक, और ये मैंने टाइमर से टाइम निकाला, मैंने कहा था ये करंट टाइम के लिए होता है, करंट डे डे टाइम के लिए होगा। ठीक है, इस टाइमर को निकालेंगे, और जो टाइमर की वैल्यू आएगी मैंने नल लिया है क्योंकि मुझे करंट का निकालना है, अगर किसी पर्टिकुलर का निकालना होता तो मैं वहाँ वैल्यू देता, मैंने नल लिखा, या फिर यहाँ पर 0 पास कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है टाइमर में स्टोर हुआ। ठीक है, जब तक के भी हिट ना हो मैंने क्लियर किया स्क्रीन को, जिससे वैल्यूज आती रहे तो वो हिट हो गायब होती जाए, और ये जो लोकल टाइम होगा उसमें मैंने टाइमर के वैल्यू को पास कर दिया। ध्यान से देखिएगा, टाइम निकालने के बाद जो आया वो टाइमर में आया, और उस टाइमर की वैल्यू को मैंने लोकल टाइम में पास किया। जब लोकल टाइम पास करूँगा तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लोकल टाइम क्या करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मैंने कहा था 26 कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, और टीवी ब्लॉक में डाल देगा। अब टीवी ब्लॉक को मैं स्काई कोड में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन उसके पहले मैंने कलर दिया और 4 दिया, 4 मतलब यहाँ पर कलर है, C40 मैंने बताया था, लोकल टाइम इज़ %s स्ट्रिंग फॉर्म में, मैंने कहा था स्काई फॉर्म में प्रिंट करता है ASC टाइम, और टीवी ब्लॉक कौन सा है, ये जो टाइमर फॉर्म में वैल्यू आई, और इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, डिले किया 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड बाद दोबारा ये फिर फंक्शन कॉल होगा, व्हाइल लूप लगा हुआ, जब तक के भी हिट ना हो, यानी कीबोर्ड हिट ना हो तब तक ये चलता रहे, और आने के बाद क्या करेगा, स्क्रीन क्लियर करेगा, फिर से टाइम निकालेगा, टाइम जो आएगा टाइमर में आएगा, टाइमर को लोकल टाइम में इसे कन्वर्ट करेगा, टीवी ब्लॉक में डालेगा, कलर देगा, साइज बढ़ाएगा, और स्काई कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये प्रोग्राम तब तक ऐसे चलता रहेगा। अब मैंने इसमें एक प्रोग्राम और बनाया है जो इसी से
इसी से मैच करता हुआ, बस मैंने उसमें क्या किया कुछ चीज़ों को समझाया है, ठीक है, डीजी क्लॉक डॉट सी। चलिए तो कुल मिला के आपको इस तरीके से समझना। लेकिन अगर हम इसको केवल मुझे करंट टाइम प्रिंट कराना होता, ठीक है, क्या प्रिंट कराना होता, करंट टाइम, तो मैं क्या करूँगा, इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, केवल अगर आपको ये पता करना हो कि इसमें करंट टाइम क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर परसेंट एस लगाइएगा और एक बना बनाया मैक्रो होता है जिसका नाम है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर दो बार लगाना है, कैपिटल में टाइम, दो बार अंडरस्कोर, ठीक है, और इसको परसेंट एस फॉर्म में प्रिंट करा दीजिएगा, ठीक है। अगर इसको आप रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रन कराने पे आपका जो आउटपुट का ध्यान से देखिए, 22:20:17, यानी कि 10:20:17 हो रहा है, बट ये रनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आप करंट टाइम अगर निकालना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, कैपिटल में लिखना है, ये एक मैक्रो है बना बनाया, बट अगर आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए कि आपका क्या हो लॉजिकली वो रन होता रहे लगातार, तो वी कैन यूज़ दिस फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी तरीके के क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये हम अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।